मरा नहीं अभी। अबे मॉस्किटो रेपेलेंट लगा लो, ये क्या कर क्या रही हो तुम? चार मच्छर काट गए तब से काट रहे हैं। काव काव कर शोर बजाया, पानी मिल ना पाया था, तभी एक राधिया दिखाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हम लोग बहुत बढ़िया हैं और मौज कर रहे हैं। आज है संडे, आज का दिन है छुट्टी का दिन। अर्श भी अभी ट्यूशन गया था तो छुट्टी होगी उसकी, और वो फुल मौज में मस्ती मार रहा है। तो गाइस, आज जब मैं सुबह उठा था ना, तो वेदर, मैं जब बाहर आया मैंने आके वेदर देखा, मैं कहता हूँ कि जवाब ही नहीं था जी, मजा आ गया। और अब देखो, अब भी जवाब नहीं है, लेकिन वो ऐसा जवाब है कि आप खड़े हो तो आप गर्मी में मारे जाओ। कितनी धूप है चिलचिलाती हुई, और लेकिन जो सुबह वेदर था वो ऐसा था कि बस आप कहो कि यार पहाड़ पे जाने की क्या ज़रूरत है जब यहाँ ऐसा वेदर है। तो बट अब वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं और मौसम बदल गया है, दोनों गेम खेल रहे हैं। पर आज एक अच्छी बात की है अर्श ने, तेरे को पढ़ाया है इसने फ्रेंचाइज। और हमने अभी करे हैं शॉर्ट्स शूट, तो हमें बड़ा मज़ा आया, काफ़ी अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस आज शॉर्ट्स बनाने का। सहज ने काफ़ी मस्ती करी है, हंसती जा रही थी, ये कंटिन्यूसली हंसती जा रही थी, और बड़ी मुश्किल से इसको सेटल करके हमने शॉर्ट्स बनाए हैं। और अब हमने ये सोचा है कि ये लोग मच्छर को कैसे मारते हैं। पापियों मरा नहीं अबे मॉस्किटो रेपेलेंट लगा लो, ये क्या कर क्या रही हो तुम? चार मच्छर काट गए तब से काट रहे हैं। चल बैठ जा। आपको पता है कि वो चार ही, एक ने अगर चार बार काटा हो तो? अर्श भाई रहने दे, अब वॉरियर मत बन। अरे बहुत देर से तंग कर रहे हैं, मच्छर वॉरियर आने दे, आपके पास गए। सो गाइस, बात ऐसी है कि अब जो टाइम हो गया ना वो है चाय पीने का, तो इनकी मस्ती तो चली रही है, इसके साथ साथ बनवाते हैं चाय और पीते हैं चाय। चाय पियोगे तुम दोनों? कोल्ड कॉफी नहीं, चाय की बात करो। चाय पीनी हो तो बताओ। नहीं, चाय पीनी है। तब तो मैं बनाऊं या बनवाऊं? नहीं, चाय पीनी है। ते पंजाबी जैसी हुन पीन लग गया चाय। सो गाइस, बात ऐसी है कि अब हम आ चुके हैं छत पे, और अर्श और सहज तो गए हैं बाहर खेलने, मैं अकेला था, मैंने सोचा छत पे चला जाऊं क्योंकि नीचे गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी, ऊपर आया हूं तो और भी ज़्यादा गर्मी है। जो मेरे फ्रेंड हैं करुण, मेरे साथ ही रहते हैं पड़ोस में, और मुझे बोल रहे थे कि मैं अभी छत पे मिलता हूं आपको, तो जिसका वेट कर रहा था मैं वो आ गए हैं। अब जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे शुरू करेंगे, बड़े दिनों बाद इनके दर्शन हुए हैं, इंदौर गए हुए थे, और ज़रा इनसे इंदौर की कुछ बातें करते हैं और पूछते हैं कैसा रहा इनका ट्रिप और क्या करके आए हैं। क्या करके आए जी करुण जी? कुछ नहीं, घूमे फिरे क्या, शादी अटेंड करी और कुछ नहीं। शादी अटेंड करी? शादी में गए हुए थे आप? बुआ की लड़की है, सिस्टर की शादी थी मतलब आपकी। चलो बढ़िया है, कैसा पहली बार ही गए थे आप इंदौर में? पहले भी जा चुके हैं तो फिर आपने वहाँ जो स्ट्रीट फूड वो थोड़ी इंजॉय किया होगा? स्ट्रीट फूड इंजॉय नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला भाई। इंदौर की वो स्ट्रीट मैंने सुना है कि काफ़ी फेमस है करने के लिए, स्ट्रीट 56 है ना, तो बनाओ प्रोग्राम किस दिन, इंदौर ही चल के आते हैं। इंदौर क्या, इंदौर से पहले भी जाओ वहाँ पे उज्जैन के तो महाकाल का मंदिर भी है, हाँ बड़ा फेमस मंदिर है। हाँ तो एक नाइट उज्जैन रुको, एक ना फिर आगे चले जाओ। अच्छा वेदर उधर कैसा है? वेदर वहाँ का वेदर बड़ा सही था, 23 डिग्री था वहाँ पर। अच्छा तो ठंड लगती होगी यार रात को? तो रात के टाइम हवा चलती थी तो छत पे गए थे, छत पे बहुत मस्त हवा थी। अच्छा अल्टीमेट वहाँ का जो रुको था व्यूज वो बहुत अच्छा, क्योंकि वहाँ पे वो भी थे माउंटेन्स वगैरह भी हैं। रियोना कहाँ है? रियोना वो नीचे देख लिया। हेलो रियोना, क्या कर रहे हो आप? रियोना से मिलवाए, रियोना से मिलवाते हैं। ये हमारी है रियोना, और ये खा रही है आलमंड, ये खा रही है आलमंड्स और साथ में वॉलनट। बहुत अच्छी बेटी है ये, और पता है इसका इसको ये परफॉर्म बहुत अच्छा करती है। आपने कुछ करके दिखाया ही नहीं, वीडियो बनाते हैं उसका। अरे मेरी बात सुनो, मैं टीवी में देखी थी, मैं उसमें वो थी अलोंग विद बॉडी, तो मैं वो रनिंग वाली दवा दी थी, मैं देखा था उसमें मैं भी थी, पापा भी थे, आप भी थे। अब कल वाले में भी आप आओगे। अब हमें एक रियोना जो है एक बहुत अच्छी पोएम सुनाने वाली है। कौन, क्या नाम है इस पोएम का? एक थकोवा। तो अभी ये पोएम सुनाएगी, सुनाओ चलो। एक थकोवा बड़ा था, गर्मी से घबराया था, पानी मिल ना पाया था, काव काव कर शोर बजाया, पानी मिल ना पाया था, तभी एक राधिया दिखाई,
जान जान में उसको आए, चोच पानी तक पहुँच न पाई, ये एक और मुसीबत आई, कंकड़ झट से खूब उठाए, डब डब करके पानी में गिराए, पानी झट से ऊपर आया, प्यास बुझी तक कौवा मुस्काया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो कितनी अच्छी पोएम्स आती हैं इसको। थैंक यू। अरे बहुत अच्छी पोएम सुनाई है आपने। वो भी सुनाओ, एक और भी पोएम। हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ, एक और सुना रही है ये पोएम हमें, सुनाओ। It's time to go home, it's time to go home, it's time to go home, it's time to say goodbye. I had so much fun, you had so much fun, we had so much fun, and now we say goodbye. Goodbye, 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 goodbye. You again, goodbye. Clapping, very good, very good. पर देखो अभी हम गुडबाय नहीं करने वाले हैं। So guys, बच्चे कितना कुछ याद रख लेते हैं, बट हम लोग आज कुछ सोचेंगे कल भूल जाएंगे। करुण जी के साथ खड़े खड़े टाइम का आइडिया ही नहीं हुआ और 8 बज गए हैं तकरीबन, लेकिन आज जो पीछे का व्यू दिख रहा है ना मेरे, आप देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। अब टाइम जो है वो है नीचे जाने का, नीचे से भी आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। अब रियोना भी अपने घर जा रही है और मैं भी जा रहा हूँ अपने घर। गाइस बाय, हम जा रहे हैं, नाइट हो गई। अच्छा रियोना भी बाय, रियोना ने बाय कर दिया, मैं भी बाय कर रहा हूँ आपको और करुण जी भी बाय कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं नीचे। नीचे जाके क्या खाना वाना खाना? यस। अचार भी खाओगे? आइसक्रीम? आइसक्रीम आई है? आइसक्रीम तो पड़ी है ना। आइसक्रीम अकेले खा लोगे? नहीं, अकेले नहीं खा सकती। हाँ। अपने मम्मा पापा के साथ खाऊंगी। और अंकल? नो। क्यों, अंकल को खिलाओ। साफ मना। अंकल को साफ मना, अंकल को साफ मना। अरे अंकल के साथ भी खिलाऊंगी, पर अंकल तो मेरे हाउस में तो आने पड़ेगा। हाँ, अंकल को मेरे हाउस में आना पड़ेगा तभी तो खिलाएंगे। ठीक है, हम ना फिर किसी दिन आपके हाउस में आएंगे। तो गुड बाय, हम झट से नीचे जा रहे हैं। ठीक है, बाय 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 रियोना, बाय। अभी एक और बढ़िया सी चीज बन रही है और वो है बेसन का हलवा। ये पापा बना रहे हैं बेसन का हलवा। यार आज ना मेरा मन कर गया डिनर के बाद मीठे में बेसन का हलवा बनाया जाए, काफी टेस्टी बनता है बेसन का हलवा।